आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर 4 साल पूरे कर चुकी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 4 साल बेमिसाल, लेकिन राजस्थान की जनता कहती है कि 4 साल जो बीते हैं ये परेशानियों के साल है, दुख के साल है, और इस 4 साल के अंदर कर्ज माफी को लेकर किसान परेशान है, बेरोजगारी भत्ते को लेकर युवा परेशान है, और सरकारी नौकरियों की भर्ती का आपने जो सपना दिखाया था एक भी भर्ती ऐसी नहीं है कि जो भर्ती की ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आपकी सरकार करा पाई। इसलिए इन 4 सालों के अंदर वो मासूम बच्चियां भी जिनके साथ दरिंदगी भी, वो भी न्याय की खातिर दर दर की ठोकरें खाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सरकार न्याय नहीं दे रही है। राजस्थान के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और राजस्थान के अंदर युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम, लाखों किसान इस नाते परेशान है कि आज भी उनकी जमीन नीलाम होने की कगार के ऊपर पहुंच गई। कई संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको आपने सपने संजोए थे अपने पीसीसी कार्यालय के अंदर बुलाकर कि हमारी सरकार आई तो राजस्थान के 3.5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। बेरोजगार संघ आए दिन आंदोलन कर रहा है, उनपे मुकदमे लगाकर आपकी सरकार जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहे हो। इसलिए आप चाहे कितने गुणगान करो लेकिन 4 साल जो रहे हैं जनता सिर्फ इंतजार इस बात का कर रही है कि कब समय बीते और कब आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का वो काम करे।